हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए कमाल की वीडियो में। अभी मैं ये सुबह सुबह वाला वीडियो बना रहा हूँ। आज है 29 जनवरी। हमारे लखनऊ शहर के अटल बिहारी क्रिकेट इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है मैच, जो कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच है। सेकंड ओडीआई T20 मैच है। तो कौन कौन देखने आ रहा है, पहले बात तो कमेंट कर दो। और साथ ही साथ ये वाला वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने पिछले दो वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, बहुत सारे लोगों को डाउट था, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आज ऑनलाइन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑफलाइन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विदाउट फिजिकल टिकट एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। और साथ ही साथ आपको कितने बजे आना है, किस रास्ते से आना है। और साथ ही साथ अगर आप सभी लोग स्टेडियम पहुँचना चाहते हैं, अदर सिटी से आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर आनी, सब कुछ वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि वाली इन्फॉर्मेशन आपको दिखा भी सकती, क्रिकेट से बाहर भी कर सकती। तो इसलिए आपके लिए ये वाला वीडियो देखना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कि इस तरीके के नए नए कमाल कंटेंट अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक डाउट मैं लेता हूं जिनका कमेंट आया था, बहुत सारे लोगों को सिमिलर कमेंट था, तो उनको मैं एक एक कमेंट लूंगा, जिसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। आपका भी डाउट उसमें कहीं ना कहीं होगा, तो वीडियो को जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भैया जी पूछ रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक किया था और आज टिकट मिलेगा कि नहीं मैच के दिन, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उन्होंने टिकट नहीं लिया तो थोड़ा मुश्किल में पड़ सकते हैं, है ना। आज है मैच, आज मैच के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो शहीद पथ है, जहाँ से हम लोग मैच के लिए जाया जाता है ना, जहाँ स्टेडियम है, वहाँ पर बहुत ही लंबा जाम लगता है। अगर नहीं लिए हैं फिर भी एक आपके लिए ऑप्शन अभी बचा हुआ है। अभी सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे ही वीडियो को जस्ट देख के आप सभी लोग जाके टिकट ले सकते हैं। टाइमिंग दी गई है, और जो कि वहाँ पर टिकट काउंटर है, 10 से 12 एक बजे तक खुला रहेगा, 3-4 घंटे के लिए खुलेगा, फिर जस्ट बंद हो जाएगा। सो अभी तक आप सभी लोगों के पास फिजिकल टिकट नहीं है, तो जाके आप सभी लोग फिजिकल टिकट ले लें, तभी आपकी एंट्री स्टेडियम के अंदर होगी। विदाउट फिजिकल टिकट एंट्री नहीं देंगे आपके पास, भले आपने ऑनलाइन किया है तब भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये पहला डाउट मैंने क्लियर किया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा कमेंट भाई पूछ रहे हैं कि टिकट का प्राइस क्या है। भाई टिकट का प्राइस वैसे तो अगर ऑन पेपर लिखा जाए, है ना, गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया था पेपर में, उन्होंने आर्टिकल निकाला था कि 500 रुपये से स्टार्टिंग होगा, बट 500 रुपये से भाई स्टार्टिंग नहीं है, है ना। वहाँ जाने के बाद पता लगता है 900 रुपये तो एक टिकट पे ले रहे हैं, 700 रुपये टिकट पे ले रहे हैं, चार्जेस अलग से जोड़ते हैं लोग, और थोड़ा प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है। साथ ही साथ मैक्सिमम टिकट जाता है 22,000 तक, जो कि ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। आज वाले जो ऑफलाइन लेने जाएंगे तो 22,000 वाला टिकट नहीं मिलेगा। जो बड़ा अमाउंट है, सिर्फ 3,000 तक के ही आपको वहाँ पर ऑफलाइन टिकट मिलेगा। ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन जाके कर सकते हैं आप। मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है वेबसाइट, क्योंकि अब भाई आज ही मैच है तो ऑनलाइन चलने का सवाल ही नहीं। अगर आप मान लो ऑनलाइन बुक भी कर लेते हैं तो हो सकता है आपका पैसा खराब जाए, क्योंकि ऑनलाइन बुक कर लेंगे फिर उसके बाद फिजिकल टिकट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका टिकट खराब जाएगा, पैसा भी खराब जाएगा। तो ये आपकी जानकारी। चलते हैं दूसरा कमेंट लिखते हैं। भैया जी पूछ रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कोई छूट है कि नहीं। भाई छूट क्या क्या बोल रहे हैं यार, ये लोग पैसा स्टूडेंट से खुद ले ले रहे हैं, छूट की क्या ही बात करें अब। और छूट भाई वैसे तो कुछ नहीं है, जो सबके लिए है, हम लोग के लिए भी है, जो भी स्टूडेंट आपके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए, तो आपको एक प्रो टिप मैं देना चाहूँगा। ऑनलाइन आप सभी लोग टिकट बुक किए होंगे, जितना भी पैसा लगा उसमें टैक्स वगैरह जुड़ता है, तो ऑफलाइन वो चीज़ आप उससे बच सकते हैं। जो कि 200-300 रुपये टैक्स लेते हैं ऑनलाइन, वो आप ऑफलाइन जब आप सभी लोग आएंगे, सिर्फ टिकट का प्राइस लेंगे, आप जो टैक्स वगैरह लेते हैं वो टैक्स नहीं लेगा। मतलब कि आप सभी लोग टैक्स से बच सकते हैं, 200-300 रुपये अपने बचा सकते हैं ऑफलाइन लेके। क्वेश्चन लेते हैं। भैया जी पूछ रहे हैं कि टिकट वहाँ पर कौन चेक करता है। वैसे टिकट भाई जो अथॉरिटी BCCI की अथॉरिटी होती है, जो स्टेडियम की अथॉरिटी होगी, वहाँ सभी लोग टिकट चेक करेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग अपना फिजिकल टिकट लेके जाइएगा, और फिजिकल टिकट की तरफ एक तरफ कहेंगे बीच में कट रहेगा, उसे आप लोग फाड़ के नहीं फेंकिएगा। यानी कि आप फाड़ के फेंक देते हैं टिकट, टिकट क्या बीच का जो हिस्सा होता है वो खुद ही उसको अलग करेंगे, देन आपको दूसरा वाला हिस्सा देंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग फिजिकल टिकट एकदम संभाल के रखिएगा, फाड़िएगा ना। और जो भी अथॉरिटी वहाँ पर रहेगी चेकिंग करने वाली, तो वहाँ पर आप सभी लोग जाके उन चेकिंग कराएगा, देन उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी वहाँ। तो भैया का फिर से क्वेश्चन है कि भाई अगर उन्होंने टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो क्या मैच वाले दिन उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा फिजिकल वाला। तो भाई बिल्कुल डेफिनेट नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 घंटे के लिए खुला रहेगा, सो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप सभी लोग टिकट पाएं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी भीड़ रहेगी। लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबी लाइन तो लगने ही वाले, क्योंकि कल ही मैं क्या बोलते हैं गया था वहाँ पर, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी थी फिजिकल टिकट लेने के चक्कर में। ऑनलाइन वाले तो और भी फंसे थे, ऑफलाइन वालों का क्या है कि वो तो टैक्स वगैरह तो पैसा नहीं देना पड़ रहा था उतना, लेकिन बट ऑफलाइन में भी अच्छी खासी भीड़ लगी थी। तो आज तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सभी लोग एक चांस आप सभी लोगों के पास अभी है टिकट लेने का, ऑफलाइन में जाकर काउंटर से ले सकते हैं वहाँ पर स्टेडियम के जस्ट बाहर से। सो वहाँ पर आप सभी लोग अभी 10 बजे लगभग में वो काउंटर खुल जाएगा, और लगभग 1-2 बजे तक खुला, तो आप सभी लोग होपफुली कोशिश करिएगा थोड़ा पहले जाइएगा। मतलब कि अभी वीडियो में जस्ट डाल रहा हूँ, अगर आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो, अगर आप सभी लोग फिजिकल टिकट आपके पास नहीं मिला है, आपको ऑनलाइन बुक किया है, तो जाके आप सभी लोग फटाफट जाएं स्टेडियम के बाहर, लाइन लगा दें भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग पब्लिक आने वाली है, बहुत पब्लिक
भाई बहुत ही क्रेज़ है लखनऊ में क्रिकेट का, तो वो लोग पहले पाएंगे, जो जाएगा पहले भाई वही टिकट पाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उनका डाउट क्लियर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। भैया जी पूछ रहे हैं मैच किस दिन है, मैच है कब, मैच आज है 29 जनवरी, है ना, अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम जो कि हमारे लखनऊ शहर में पड़ता है, उसका पहले नाम था इकाना क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो आप सभी लोग आप जान गए होंगे, चलते अगले कमेंट की तरफ, उसको रिप्लाई करते हैं। जी पूछ रहे हैं फ्री में टिकट क्या मिलेगा, उनका बहुत ही ज़्यादा मन है मैच देखने का। भाई यहाँ पर आज के दुनिया में, आज के ज़माने में जहर भी फ्री का नहीं मिल रहा, आप टिकट मांग रहे हैं, बट कोई नहीं, अगर ऐसी स्कीम इन फ्यूचर आती है तो ज़रूर हम आपको इतला करेंगे। और साथ ही साथ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं भाई फ्री में कोई टिकट नहीं मिलने वाला है ना, यहाँ पर पैसे और भी ले लिए जा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं फ्री का टिकट देने के लिए। तो चलो अगर ऐसी कभी भी इन फ्यूचर स्कीम निकलती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो हम ज़रूर आपको कमेंट करके बताएंगे या वीडियो बना के ज़रूर बताएँ। भैया का क्वेश्चन है कि भाई ऑनलाइन जो क्या बोलते हैं, भैया जी का क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर की कटिंग में वहाँ पर आर्टिकल छपा था कि 500 रुपये का टिकट मिलेगा, तो बट 500 रुपये का टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, भैया जी का क्वेश्चन है। तो भाई 500 रुपये का टिकट बिल्कुल नहीं मिल रहा है यहाँ पर, है ना, टैक्स लगा के बल्कि 700 का उसको बना दिया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को 500 रुपये तो भूल ही जाएँ, है ना, ऐसा कुछ भी स्कीम में नहीं लिखा गया है। और साथ ही साथ इतने का तो मुझे नहीं लगता सवाल ही पैदा नहीं होता, 500 रुपये का टिकट कहाँ मिलेगा। और 1200 का अगर आप लेना चाहते हैं, 1200 का मुझे लगता है मिनिमम स्टार्टिंग 1200 की स्टार्ट हो रही है टिकट की, और देन 22000 तक टिकट का प्राइस जाएगा, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है 22000 वाला, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा डाउट भैया का, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कमेंट करके बताएं कौन जीतने वाला। वैसे मेरे हिसाब से तो इंडिया डेफिनेटली जीतेगी, और जनता का रिव्यू मैंने पिछले वाले वीडियो में लिया था, वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके वाला वीडियो देख लें, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन है, स्टेडियम कहाँ है, कैसे आना है, अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं तो कैसे आपको बसना है, क्या क्या चीज़ें नहीं लानी है। होगा कि आप फिर बहुत सारी चीज़ें उठा लाएंगे तो फिर स्टेडियम के अंदर आपको एंट्री नहीं दी जाएंगी, तो ऐसा ना करिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करिएगा, नहीं लाइएगा, जो कि पिछले वाला जाके वीडियो आप सभी लोग देख लें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लानी है। इंडियन क्रिकेट टीम हमारे लखनऊ शहर में पधार चुकी है, जो कि कल रात को ही आई, आज है 29 जनवरी, आज ही मैच है, सुबह सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो अब मैच आज है, देखना है भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा हमारे लखनऊ शहर के अंदर। तो भाई क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, कल बहुत ही लंबे जाम लग गए थे। अगर एक प्रो टिप और देना चाहूँगा, अगर आप सभी लोग बाहर अदर सिटी से आ रहे हैं या फिर आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो देखना जरूरी है, वाली इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। अगर आप सभी लोग शहीद पथ से होते हुए जाएंगे, शहीद पथ से आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है स्टेडियम तक पहुंचने का। तो शहीद पथ पे क्या हुआ, कल ही से बहुत ही लंबे जाम लगने स्टार्ट हो गए थे, और होपफुली कोशिश करिएगा आपने कार वगैरह का अवॉइड करिएगा, है ना, हो सके बाइक लेकर आइएगा, है ना, तो उससे क्या होगा आप लोग किनारे कट कट के निकल लेंगे और देन पहुँच जाएंगे स्टेडियम, और मैच आराम से टाइमली पहुँच के देख पाएंगे, एंट्री आपकी भी टाइमिंग हो जाएगी, टाइम से हो जाएगी, है ना। और अगर आप सभी लोग कार वगैरह लेकर आए तो ज़रूर जाम में तो फंसेंगे क्योंकि आज है मैच, और साथ ही साथ वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जाती है स्टेडियम की तरफ, है ना, स्टेडियम में मैच क्या बोल खेलने, तो होता क्या है हमारे लखनऊ शहर के इतना तगड़ा जाम लगा, तो इस वजह से रोडें ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे कि भाई हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं वो जल्दी से जल्दी उनका काफिला स्टेडियम तक पहुँच जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाम तो लगना पक्का है आज, है ना। इसलिए लखनऊ शहर में बहुत सारे लोग अनजान हैं, बहुत अलग अलग सिटी के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको पता नहीं है रास्ता कैसे स्टेडियम तक पहुँचना है, तो आप सभी लोग के लिए मैं बना रहा हूँ वाला वीडियो। सो आप सभी लोग अगर बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे आपको ट्रेन उतारेगी, देन वहाँ से आपको बाहर निकलना है ना, वहाँ से आपको तुरंत ऑटो लेनी है, ऑटो वही 30 रुपये लगभग मिलेगा, तो आपको उतरना है गोमती नगर होसड़िया चौराहा, वहाँ पर जैसे आप सभी उतरेंगे, देन वहाँ से उतरने के बाद वहाँ से फिर एक आप सभी लोग ऑटो लेंगे, ऑटो लेने के बाद जस्ट आपको वो सीधा स्टेडियम को उतारेगा। तो आप सभी लोग बोलिएगा हमें अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम जाना है या फिर आपको मॉल जाना है फिनिक्स प्लाजियो मॉल, तो वहाँ पर आप सभी को जाके उतार देगा। तो आप लोग इस तरह पहुँच सकते हैं, या फिर आप सभी लोग बस से आ रहे हैं तो बस, या फिर आप सभी लोग आलमबाग बस स्टैंड पर उतरेंगे या फिर कैसरबाग बस स्टैंड पर उतरेंगे। अगर आप सभी लोग आलमबाग बस स्टैंड पर उतरेंगे देन वहाँ से आपको फिर से एक ऑटो पकड़नी है, जो कि चारबाग सीधा लेकर आएगा, या फिर आलमबाग से चारबाग का एक ऑटो पकड़िएगा, ऑटो चारबाग से फिर से एक पकड़िएगा, जो कि फिर मैंने आपको पिछले बता दिया, चारबाग से फिर आपको ऑटो पकड़ के होसड़िया चौराहा आना, होसड़िया चौराहे के बाद फिर से आपको एक ऑटो पकड़ना है, आपको देन वहाँ पर अटल बिहारी क्रिकेट स्टेडियम उतार देगा। तो ये ऐसे आ सकते हैं या फिर आप फिर बुक करके आ सकते हैं। अगर आप बुक करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा आज पैसा लेने वाले हैं लखनऊ जितने ऑटो वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इतनी भीड़ होती है तो वो लोग जाने को तैयार नहीं होंगे और लंबे जाम में आपको फंसने वाले हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी घर से निकलें और जल्दी फटाफट यहाँ पर आएँ। ये रहा मेरा पूरा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जितने लोग आप सभी लोग कमेंट किए थे, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर
क्लियर हो गए होंगे। अभी कुछ भी डाउट वगैरह बच गया ना तो कमेंट कर दो, फटाफट आपका मैं रिप्लाई करके बता देता हूँ। और कमेंट करके बताएं कौन कौन आ रहा है अटल बिहारी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने, और कमेंट करके बताएं कौन जीतेगा। वैसे डेफिनेटली हमारी इंडिया ही जीतने वाली है, ठीक है। तो ऐसी इसी तरह के नए नए कमाल के कंटेंट अपने चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको और भी वीडियो देखने जाके देख सकते हैं, मैंने दो वीडियो और भी बना रखे हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग, जो कि स्टेडियम के बाहर मैंने जाकर रिव्यू लिया था किस तरह आप आ सकते हैं, सब कुछ मैंने उसने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।